लोखंड कार्यालय परिसर में सोमवार दोपहर पंचायत समिति सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल लाल साहू एवं उप प्रधान श्रवण दास वैष्णव के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों की समस्याओं का समाधान करने व अधिकार प्रदान करने को लेकर मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के नाम तहसीलदार भंवर लाल सैन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि सरपंच प्रधान जिला मुख्य की भांति पंचायत समिति सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार विभिन्न दस्तावेजों का सत्यापन प्रमाणीकरण करने का अधिकार देने के लिए विभाग स्तर से प्रपत्र जारी किया जाए। अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र व राज्यों से प्राप्त अनुदान राशि एसएफसी टीएफसी योजनाओं में से पंचायत समिति सदस्य को दलगत राजनीति से ऊपर उठाकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास करवाने हेतु निर्धारित अनुपात में राशि उपलब्ध करवाई जाए। अपने वार्ड में पंचायत समिति मद से विकास कार्य स्वीकृत करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा प्रपत्र 5 दिए जाने की अनिवार्यता को हटाया जाए। आज हमने ज्ञापन दिया है पंचायत राज मंत्री के और मुख्यमंत्री जी के नाम पे, और आज पूरे राजस्थान के अंदर पूरे पंचायत समिति के जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं वो पूरे राजस्थान में ब्लॉक स्तर पे अपने तहसील हेडक्वार्टर पे एसडीएम साहब को या तहसीलदार जी को ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन इसलिए सौंपा है कि पंचायत समिति सदस्य को भी जनता चुन के भेजती है, और पंचायत समिति के पास सदस्य के पास कोई वो नहीं है पावर बटोरनी। और हम ये लोग ये चाहते हैं कि हमारा हर पंचायत हेडक्वार्टर पे एक हमारा मतलब सरपंच के तहत हमारा एक मतलब ऑफिस हो, उस ऑफिस में हमारा बार नाम लिखा हो, हम भी मतलब जनता की समस्या को सुन सके। और इसी के साथ हमारा जो फंड जो पहले भाजपा सरकार में तो फंड था 50,000 रुपये प्रति सदस्य का एक सालाना, और उसके बाद अब इस फंड को बंद कर दिया है, और पंचायत समिति सदस्य के पास न तो कोई फंड है ना कुछ, और कुछ है तो पंचायत समिति सदस्य जनता की मांग को लेकर अगर पंचायत में भी जाता है सरपंच के पास तो सरपंच मतलब मना कर देता है, राजनीति करते हैं, और इस वजह से पावरलेस हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को भी पावर मिले, और ये ज्ञापन पूरे राजस्थान में दिया जा रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित सेन है, पंचायत समिति सदस्य